हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइयो, बढ़िया होंगे। आज आपके लिए इतनी बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ। इतना अच्छा आपको आज फेशियल बताने वाली हूँ, वो भी टमाटर से। आप अपनी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी आज के इस फेशियल से। आपकी स्किन पर एंटीएजिंग के लक्षणों को, झुर्रियों को, फाइन लाइन्स को चुटकियों में बाहर निकाल देगा। साथ ही साथ आपकी स्किन पर से जो दाग धब्बे हैं, काले निशान हैं, झाइयाँ हैं, उन्हें ख़त्म करने की ताकत रखता है ये फेशियल। आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा, रंग को निखारेगा, आपके ओपन पोर्स को, रोम छिद्रों को मिनिमाइज करेगा, आपकी स्किन को चिकना बनाएगा, बेदाग बनाएगा और गोरा निखार लाएगा। बढ़िया तरह से स्किन की सफाई करके आपकी स्किन की रंगत को निखारेगा, आपकी टोन को निखारेगा। फ़र्क आपको पहली बार के इस्तेमाल से दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको, एक टमाटर लेना है। इस टमाटर को आपको एक हिस्सा काट कर ले लेना है। इस टमाटर में देखिए कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। जब भी तो लोग इसे सैलेड में खाते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, पोटेशियम होता है, जो आपकी स्किन से दाग धब्बों को, झाइयों को, झुर्रियों को ख़त्म करने में बहुत बढ़िया काम करेगा। आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा ये टमाटर। आपकी स्किन से डेड सेल्स को, कालेपन को, टैनिंग को ख़त्म करने की ताकत रखता है ये टमाटर। तो दोस्तों आज ये टमाटर आपकी स्किन पर जादू की तरह काम करने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर टमाटर का एक टुकड़ा काट कर। अब हम इस टमाटर को यूज़ करने वाले हैं अपने फेशियल में। इसमें डाल दूंगी मैं यहाँ पर 2-3 चम्मच कच्चा दूध। कच्चा दूध आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालेगा, आपकी स्किन की सफाई कर देगा। आपको इसे कैसे लगाना है? इसे आपको अपने चेहरे पर लगाना है। चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आपको इसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप इस टमाटर को लीजिएगा और अपने चेहरे पर आपको इसे रगड़ना है। मेकअप किया है, कोई क्रीम लगाई है, उसे धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और आपको इसे लगातार अपने चेहरे पर दूध में डुबो डुबो कर रगड़ना है। ये क्या करेगा? यह आपकी स्किन से जितनी जमा गंदगी होगी, रोम छिद्रों में मैल होगा, डस्ट होगा, उन्हें निकाल कर बाहर लाएगा, आपके डेड सेल्स को हटाएगा, आपकी स्किन को पोषण देगा, जो दूध और टमाटर मिलकर आपकी स्किन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में बहुत बढ़िया काम करेगा ये नेचुरल सा क्लींजर। साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स को, झाइयों को, काले निशानों को, झुर्रियों को हटाने में भी ये काम करेगा। तो दोस्तों इसे दूध में डुबो डुबो कर आपको कम से कम 5 मिनट तक रगड़ना है। इसके बाद आपको टमाटर को एक तरफ रख देना है और हाथ से इसकी आपको मसाज करनी है, खूब बढ़िया तरह से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करिएगा। ये है एक नेचुरल सा क्लींजर, यह आपकी स्किन पर जादू की तरह काम करेगा, आपकी स्किन की गहराई से सफाई कर देगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपकी स्किन को अंदर से निखारने में और आपकी स्किन को बेदाग बनाने में बहुत बढ़िया काम करेगा। तो 2 मिनट मसाज करने के बाद देखिए मैंने कर लिया हैंड वॉश और मेरे हाथ का कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन हो गई है दोस्तों मेरे हाथ की। ये रिजल्ट आपके सामने है, क्या अमेजिंग रिजल्ट आया है इस नेचुरल से क्लींजर का। स्किन साफ़ हो गई है, ऐसे ही आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा क्लींजर। अब बनाना है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए दोस्तों आपको इसी दूध का इस्तेमाल करना है, इसे फेंकना नहीं है, चीज़ों को यूज में लेना है और चीज़ें वेस्ट नहीं जानी चाहिए भैया। तो इसी में हम फेस पैक बनाएंगे। तो ये दूध ले लिया है, कच्चा दूध। तो इसमें देखिए आपको डालना है फिर यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर का रस। जो दूध है ना दोस्तों, इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, तो हमारे प्रोटीन सेल्स को ये मजबूत करेगा, स्किन को पोषक देकर, पोषक तत्व देकर। तो इसमें टमाटर डाल दिया मैंने, 1 चम्मच रस ले लिया टमाटर का। और अब देखिए लेना है आपको यहाँ पर संतरे के छिलके का पाउडर, ये मैंने घर में पीस के रखा हुआ है और मैं इसे यूज करती हूँ। इसमें फ्रेंड्स संतरे से कई गुना ज़्यादा, इसमें विटामिन सी है भरपूर, विटामिन ए भी है जो आपकी स्किन पर जाएगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपकी स्किन पर जाएंगे, आपकी स्किन से दाग धब्बों का नामो निशान मिटाने में, झाइयों का नामो निशान मिटाने में इस पाउडर के जैसा जवाब बिल्कुल भी नहीं है किसी का, इतना बढ़िया काम करेगा ये। मैंने 2 चम्मच ले लिया है, ये आपके रंग को भी निखारने में बहुत हेल्प करेगा। फिर देखिए आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर, आराम से किसी भी दुकान पर 5 रुपये का पैकेट मिल जाता है। 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपकी स्किन की सफाई भी करेगा, क्योंकि ये दूध का ही बना हुआ होता है मिल्क पाउडर। इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर है जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करने में, स्किन को अंदर से निखारने में, चमकाने में
बहुत बढ़िया काम करेगा। इस संतरे के छिलके के पाउडर के साथ फिर लेना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा शहद। शहद देखिए क्या करेगा, आपके जो निशान है ना उन्हें हटाने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन पर पिंपल भी है ना दोस्तों, तो उन्हें भी हटाने में बहुत बढ़िया काम करेगा ये पूरा फेशियल। और शहद भी उसमें काम करेगा, आपकी स्किन में नमी को लो करेगा, स्किन मॉइस्चराइज होगी तो स्किन ग्लोइंग नज़र आएगी। तो आपको इसमें दूध डालकर कर लेना है बढ़िया तरह से मिक्स। ये बनने वाला है हमारा एक खूबसूरत सा नेचुरल सा प्यारा सा ग्लो देने वाला फेस पैक। तो दोस्तों पहले क्लीन किया है स्किन को क्लींजर के द्वारा, अब लगाना है फेस पैक। तो जो ये फेस पैक है ना, ये आपकी स्किन पर अंदर से काम करेगा, आपकी स्किन को अंदर से निखारने में बहुत बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल गुड गुड से आपको रिजल्ट देगा, इफ़ेक्ट देगा आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स को घटाने में, झाइयों को यानी पिगमेंटेशन को घटाने में और रिंकल्स को हटाने में, रंग को निखारने में बहुत बढ़िया काम करेगा आपकी स्किन के अंदर जाकर, और आपके ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा जिससे आपकी स्किन एकदम चिकनी गोरी दिखाई देगी। तो आपको इसे मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाना है, ब्रश से लगा लीजिए चाहे हाथ से लगा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेमेडी अच्छी तरह से लगनी चाहिए स्किन पर। तो आपको एक ब्रश लेना है या फिर हाथ से ही आप अपने चेहरे पर इसे पूरे चेहरे पर आप इसे अप्लाई करिएगा। अप्लाई करके आपको इसे छोड़ देना है कम से कम 20-25 मिनट के लिए। खूब अच्छी तरह से टाइम दिया करे दोस्तों, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करें, मेरी माताएं बहनें। तो आप अपनी स्किन को घर पर ही हेल्दी और बहुत बढ़िया निखार पा सकते हैं, अपनी स्किन की प्रॉब्लम तक को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, बस चीज़ों को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो आपको इसे टाइम देना है कम से कम 20-25 मिनट का, तब तक ये फेस पैक पूरी तरह से सूख जाए। तो फिर आपको नॉर्मल और सादे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है, और धोकर आपको किसी सूती तौलिए से कपड़े से आराम से पोंछना है, छीलना नहीं है स्किन को, क्योंकि मैं आपको बाद में एक चीज़ बताऊंगी तभी हमारा फेशियल पूरा होगा भैया। तो अब देखें आप पहले रिजल्ट, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक चीज़ और लगानी ज़रूरी है। रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी स्किन खुश हो जाएगी, अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। क्योंकि मैं इस फेशियल को हमेशा करती रहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है और इसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा है, सच कह रही हूँ। आज भी मैंने इसे किया है अपने चेहरे पर, रिजल्ट आपके सामने है। मैं क्या कहूँ, आप खुद कहेंगे जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे, और इसी तरह से करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए मेरा हाथ इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपका चेहरा ना हो जाए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, आकर रंगत ही चेंज हो जाएगी आपके चेहरे की, रंग साफ होगा, डेड सेल साफ होंगे तो चमक अंदर से ऑटोमेटिकली आएगी। डे बाय डे आपके दाग धब्बे, झाइयाँ और झुर्रियाँ, रिंकल सब गायब होते चले जाएंगे, स्किन वाइट दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगी और टाइट भी दिखाई देगी, बहुत अच्छा ग्लो आपकी स्किन पर आएगा दोस्तों। तो आपको अपना चेहरा पोंछ कर लेना है। देखिए जिनकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको नेचुरल सा मॉइस्चराइजर लेना है, और जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर ले सकते हैं, वो एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये लगाना बेहद ज़रूरी है, इन दोनों में से एक, हर प्रकार की स्किन के लिए मैंने आपको बता दिया, तो उसी के जैसा आपको यूज करना है अपने चेहरे पर। तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ ताकि आप बिलीव करें रेमेडी वर्क करेगी, आप रिजल्ट देखिएगा। अभी रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश होगा और आपका इस रेमेडी को करने का अपने चेहरे पर पूरा मन होगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा 100%, जब आप मेरे हाथ पर इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए मेरा हाथ दोस्तों, मेरे हाथ की स्किन जब इतनी अच्छी हो सकती है तो डेफिनेटली आपका चेहरा क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक बिलीव के साथ, एक विश्वास के साथ रेमेडी को यूज करिए मेरे प्यारे दोस्तों, सच कह रही हूँ, बहुत बहुत गुड गुड आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ भी मैं आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक हाथ मेरा चमकदार है, गोरा है, निखरा हुआ, और एक हाथ मेरा डल है, ब्लैक है। तो रिजल्ट आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ज़रूर करिएगा इसको, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऑल स्किन टाइप है, बस मैंने आपको बताया है कि लास्ट में आपको किसी स्किन वालों को मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल किस तरह लगाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके 12 घंटे तक कोई साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना, और दोनों चीज़ों में से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज करनी है।
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आऊँगी आपके लिए अच्छी रेमेडी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों बाय।